हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनूप सिंह है और आप देख रहे हैं सिटीज चैनल। इस चैनल पे सीएनसी टर्निंग एंड मिलिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है प्रोग्रामिंग का। और आज आपको मैं बताऊंगा कटर कंपनसेशन बीएमसी मशीन में कैसे यूज किया जाता है, जो कि G41, 42 एंड 40 का यूज कैसे किया जाता है बीएमसी मशीन में। तो और आपको मैं इसमें लास्ट में एक प्रोग्राम भी बताऊंगा, जो कि एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम है। तो आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। जैसे हम जब किसी भी पॉकेट को मिलिंग करते हैं, उसमें G41 और 42 साइकिल का यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको ये एक डायग्राम से बता रहा हूँ। जैसे ये इसमें G41 का ये यूज किस तरह करते हैं, G42 का यूज कैसे करते हैं। जैसे हम लेफ्ट में अगर इंटरनल पॉकेट मिलिंग करना होता है, तो लेफ्ट में G41 का यूज करते हैं, और ये सॉरी ये राइट से मूव करता है G41 इंटरनल, और एक्सटर्नल में G42 का यूज करना पड़ता है जब हमारा राइट से अगर टूल को मूवमेंट कराना होता है। उसी प्रकार जब हमें लेफ्ट से मूवमेंट करानी होती है टूल को इंटरनल में, तो G42 का यूज करते हैं, और एक्सटर्नल में जब लेफ्ट से टूल को मूव कराना होता है तो G41 का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, ये जैसे हम टूल में ऑफसेट कैसे डालते हैं, जो डी का वैल्यू होता है वो कैसे डालते हैं इसमें। तो एक ये छोटा सा ड्राइंग है, ये लिखा है CCL, कटर कंपनसेशन लेफ्ट G41। इसमें क्या है कि ये हमारा टूल है जो कि ये रोटेट हो रहा है, और ये टूल का डायरेक्शन दिखा रहा है कि टूल आगे की तरफ जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड है, मतलब जो भी ये हमारा वर्क पीस है, और इसको ये मतलब ऑपरेशन ये कटिंग हो रहा है इस पे, तो ये दिखाया गया। और जो हमारा ऑफसेट होता है, जो टूल का डाया होता है, जितना मान लीजिए टूल का अगर डाया 15 है, तो उसकी जो रेडियस होती है उसी को ऑफसेट यानी डी के वैल्यू में उसको डाल देते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। जैसे ये वर्क पीस है, अगर राइट से हमको मूवमेंट करानी है, तो इसमें टूल को G42 में चलाएंगे, और ये हमारा टूल का डायरेक्शन हो गया, ये रोटेशन हो गया, ये हमारा टूल है, और इसकी जो सेंटर्स होती है, जो भी दूरी है मैं टूल की, जितनी भी डायमीटर होती है उसकी रेडियस यानी ऑफसेट जो अमाउंट होता है यानी डी, उसको हम ऑफसेट में डाल देते हैं। इसको आगे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ डाला जाता है। और एक ये दिखाऊंगा, देख रहे हैं आप जैसे रॉफ और फिनिश का जैसे कट कैसे कैसे लेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक राइट हैंड प्रोग्राम है, जिसमें हमारा ये टूल है और ये हमारा रफ का मटेरियल है, ये फिनिश है, ठीक है। तो इसमें ये जो टूल है, इसका टूल का डायमीटर है यानी 15 mm है, और इसका रेडियस 7.5 mm है। तो इसमें जो भी हमारा डी का वैल्यू यूज होगा वो हमारा कितना होगा, 7.5 mm होगा। और यहाँ पे जब हमें मान लीजिए जब फिनिशिंग करना होगा, 0.5 का कट लेना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, टूल का जो भी मैंने माइनस करने के बाद, तो टूल वर्क पीस की तरफ यानी उसका जैसे मशीन को बता देते हैं कि टूल का डायमीटर कम है, तो क्या होता है कि मशीन अपने वो माइनस की तरफ वो शिफ्ट होते जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या किए हैं, 0.5 माइनस कर दिए, जो कि हमारा 0.5 माइनस फिनिशिंग का कट ले लेगा ये, और यहाँ पे आपका 7.5 यानी ये हमारा कटर का डाया है, ठीक है। तो ये रफ कट ले रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपको मैं प्रोग्राम बनाया हूँ, उसको उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा प्रोग्राम नंबर हो गया, और ये हमारा होम पोजीशन के लिए यूज किया गया है, और ये हमारा जेड होम पोजीशन हो गया, वाई होम पोजीशन हो गया, ये हमारा मान लीजिए अगर हमारा टूल वर्क पीस जो भी है हमारा अगर रोटरी पे माउंट है, तो उसमें भी एक से जीरो करना पड़ता है, अगर बेस में माउंट है तो इस पॉइंट को डालने का कोई उसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और जैसे कटर हमारा डायमीटर 15 का है, और M98 ये हमारा सब प्रोग्राम नंबर है, जो कि हमारा वर्क ऑफसेट या टूल ऑफसेट जो पड़ा होगा इस प्रोग्राम के अंदर पड़ा है। मान लीजिए ये टूल नंबर 1 है,
सॉरी टूल नंबर एक दिया गया है इसमें, और ये हमारा G54 वर्क ऑफसेट G54 में हम इसको बनाते हैं। स्पिंडल स्पीड 1000 और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे मूवमेंट हो रही है। उसके बाद कूलेंट अन कर दिया। यहाँ पे देखिए G01 G41 ये हमारा लेफ्ट हैंड प्रोग्राम है, जो कि इंटरनल, अगर इंटरनल कटिंग हो रही है इसमें तो इसलिए ये राइट से ये मूव कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नल होता है तो ये लेफ्ट से मूवमेंट होती इसकी। तो ये हमारा इंटरनल कटिंग हो रहा है, तो इसमें G41 का हम यूज किए हैं। और इसमें X0Y0 ये हमारा टूल है, X0Y0 पे है यहाँ पे, सॉरी X0Y0 यहाँ है, और ये हमारा G41 X0Y-50। अब यहाँ से हम G01 यानी लिनियर में हम चलना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये -50 आएगा। तो मान लीजिए ये 100 है, तो -50 हमारा यहाँ पहुँचेगा। और इसके बाद जैसे -50 और D1, D1 क्या है, ऑफसेट है, टूल का टूल नंबर 1 है और D1 ऑन है, मतलब टूल का ऑफसेट 1 में ही पड़ा होगा, और जो उसका ये डी का जो डायमीटर का वो है वो भी उसका ऑफसेट 1 में ही पड़ा है। आपको पहले ऑफसेट दिखा दूं मैं। देखिए जैसे ये हमारा कंट्रोल प्लेन है, इसमें देखिए इसमें जो टूल नंबर है 1 है, और इसका जो ज्योमेट्रिक का ऑफसेट है ये 120 है, और वियर का भी इसमें डाला नहीं गया, बट मैंने फिनिशिंग के लिए इसे फिनिशिंग जैसे उसमें -0.5 माइनस किया था, वो मैंने फिनिशिंग वाला ही ऑफसेट दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर हमें रफ चलाना होता तो 7.5 डाल दिया होता अगर यहाँ 0.0 कर देता। अब फिनिश काटना था तो फिर मैंने यहाँ -0.5 कर दिया, ठीक है। तो ऑफसेट में जैसे आप जाइएगा, जैसे हम ऑफसेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हमारे पास एक डिस्प्ले ओपन हो जाएगा, जो कि आप लोग इसमें टूल का ऑफसेट डालते हैं, और इसमें हाइट कम बेस जब होता है टूल का तो इसमें डाल लेते हैं। और ये जो डी होता है ये हमारा जैसे कटर कंपनसेशन जब यूज करना होता है, तो इसमें ये डायमीटर का ही, इस जो भी टूल का डायमीटर होता है उसका रेडियस यहाँ पे पुट किया जाता है, और ये हमारा वियर ऑफसेट होता है जो कि हमारा कम माइनस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसका एक नंबर में यूज किया गया और फीड यहाँ डाल दी गई है 100 का, ठीक है। तो हमारा टूल यहाँ पहुँच चुका है, और इसके बाद 100 यानी ये हमारा ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स में अब यहाँ से हम यहाँ 100 पहुँच गए, फिर ये वाई पचास इसलिए डाल गया कि G90 मैंने एब्सोल्यूट में ही प्रोग्राम बनाया, तो ये सेंटर से ही पड़ेगा, तो G50 यहाँ से सेंटर ऊपर जाएगा यानी कॉर्नर में आ गया, यहाँ से मशीन डायरेक्ट यहाँ आ गई। अब फिर -100 x -100 फिर यहाँ आ गई, x -100 यहाँ आ गया, फिर उसके बाद -50 कर दिए डायरेक्ट, यहाँ तो प्लस है इधर आ गया -50 यहाँ आ गया, और उसके बाद x0 x50 -50 पे x0 हो गया। उसके बाद ये हमारा G40 ये हमारा कैंसिल साइकिल है, कैंसिल हो गया, और ये कटर कंपनसेशन कैंसिल हो जाता है इससे, और ये हमें X0Y0 यानी फिर हमारा टूल होम पोजीशन मतलब सेंटर में पहुंच गया, और स्पिंडल स्टॉप हो गया M09, ये हमारा कूलेंट ऑफ हो गया, M30 प्रोग्राम एंड है, रिसेट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप पहले कि हमने यहाँ पे G40 का यूज किया है 40 का, क्योंकि मान लीजिए कि हमारा अगर मान लीजिए हम अगर यहाँ नहीं कैंसिल कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या होगा कि अगर प्रोग्राम आगे चलाना होगा तो फिर ये कैंसिल ना होगा, जो हमारे ये रीडिंग डाला गया है G41 ये फिर वो उसी को ये रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो आज का यही टॉपिक था, तो आप लोग प्रोग्राम को अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।